हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक माइक्रोवेव ओवन के बारे में है। इसको मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है और ये माइक्रोवेव ओवन एलजी कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर और लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों, ये माइक्रोवेव ओवन मैंने अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अमेजोन से परचेज किया है और मुझे देखकर मेरे एक रिलेटिव ने भी ऑर्डर किया था और दोनों को ही इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। तो एक चीज़ मैंने फील की कि उनको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और मुझे भी शुरू में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाए, इसको ऑपरेट करने का क्या तरीका है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। देखिए, जब ये आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपको इस बटन को प्रेस करके इसको ओपन कर लेना है। अब होता क्या है, ये जो प्लेट है इस प्लेट को हम हटाते हैं तो जिस समय ये नया आया हुआ होता है उस समय इस पर एक टेप लगा दी जाती है ताकि ये मूवमेंट ना कर सके। तो हमने करना यह क्या है कि उस टेप को बड़े ही सावधानी से हटा देना है। टेप को हटा देने से ये आपका फ्री हो जाता है। अगर टेप नहीं हटाएंगे तो इसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। इसको हटा के आप सफाई भी कर सकते हैं। टेप हटाने के बाद इसको ठीक से लगा देंगे, ये देखिए लग गया है। और इसको लगाने के बाद दूसरा हमारा काम होता है प्लेट को रखना। प्लेट को रखते समय ये ध्यान देना है कि ये जो थ्री व्हील्स हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो व्हील हैं वो इस प्लेट की ये जो एजेज हैं इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लेट को रखना है। तो चलिए देखते हैं, ये प्लेट को देखिए हमने रख दिया है और रखने के बाद अगर प्लेट ठीक से रखी गई है तो इसकी पहचान ये होती है कि ठीक से मूवमेंट करती है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये व्हील अंदर है, ये व्हील अंदर है, लेकिन वो अंदर वाला व्हील जो है बाहर है। तो हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे और अब देखिए मूवमेंट, देखिए अब इसकी ये, अब तीनों ही तीनों व्हील इसके आ गए हैं प्लेट के अंदर और प्लेट इस समय सरफेस से कहीं टच नहीं कर रही है, वो सिर्फ व्हील पर है। तो सबसे पहले आपका ये काम है कि टेप को हटा देना है ताकि उसकी मूवमेंट हो सके और प्लेट को ठीक से रखना है ताकि वो फ्रीली मूव हो सके। ठीक है, अब देखिए आप इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर कुछ रख देते हैं क्योंकि इसको कभी भी एम्प्टी नहीं चलाना चाहिए। तो हम रखते हैं कुछ। तो दोस्तों, ये मैं ले आया हूँ और इसको हमने देखिए रखना भी सिखा देते हैं। आपने सबसे पहले इसमें यह है कि स्टील के बर्तन भी यूज़ नहीं करने हैं और किसी और मेटल के भी यूज़ नहीं करने। आपने जो बर्तन यूज़ करने हैं वो प्लास्टिक या फिर ग्लास के। तो ये एक प्लास्टिक हमारे पास है कटोरी, इसमें हमने कुछ मठरी है इसको रख दिया है। इसको रखते कैसे हैं, देखिए सेंटर में रखते हैं। आप रखने के बाद थोड़ा इसको घुमाकर देख सकते हैं कि आपने सेंटर में, अगर नहीं है तो उसको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, तो पहला काम हमने ये करना है कि जो कटोरी है वो हमारी मेटल की नहीं होनी चाहिए, वो ग्लास की हो या प्लास्टिक में हो, और उसको सेंटर में रख देना है। ठीक है, अब इसको हमने बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद देखिए इसको जो ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने के तीन तरीके होते हैं। जो सबसे ईजी तरीका है वो ये है कि देखिए यहाँ पर फोकस करते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपने ऊपर वाले बटन जो है इनका कुछ नहीं करना है, केवल दो बटन पर ध्यान देना है। एक लिखा है स्टॉप और एक लिखा है स्टार्ट। तो अब हमने क्या करना है कि सिर्फ एक बार स्टार्ट दबा देना है। देखिए स्टार्ट दबाते ही हमारे यहाँ पर 30 सेकंड चल गए हैं। ठीक है, तो चूंकि मुझे अभी ज़्यादा गर्म नहीं करना है तो मैं फ़िलहाल स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको स्टॉप नहीं करना है तो आप उसको चलने दीजिए, 30 सेकंड के बाद वो जो है खुद ही बीप कर देगा और आपका जो आइटम है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, पहली बार स्टॉप दबाने से वो पॉज होता है, सेकंड रुक जाते हैं, और दूसरी बार स्टॉप दबाने से वो जीरो हो जाता है। तो ये एक और भी ऑप्शन आ गया कि अगर आपने बीच में रोकना है तो कैसे रोकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या सीखा कि आपको केवल आइटम रखना है और स्टार्ट दबाने हैं। स्टार्ट दबाने से वो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आइटम को निकालना है और देखना है कि क्या वो इनफ गर्म हो गया है।
अगर वो इनफ गर्म नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे और फिर से उसको 30 सेकंड के लिए चला देंगे। ये देखिए, दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये फिर से हमने इसको 30 सेकंड के लिए चला दिया। अब चूंकि मुझे गर्म नहीं करना है तो मैं उसको बीच में स्टॉप कर देता हूँ, मैं केवल टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमने सबसे पहला तरीका देख लिया है इसको ऑपरेट करने का, हमने सिंपली स्टार्ट दबाना है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि अगर आपको कुछ ज़्यादा समय तक चलाना है, आपकी मात्रा ज़्यादा है, तो आपने करना क्या, देखिए एक बार दबाएंगे स्टार्ट तो वो 30 सेकंड के लिए चलता है, हम एक बार और दबा देंगे तो उसमें 30 सेकंड और ऐड हो जाएंगे, एक बार और दबा देंगे तो फिर 30 सेकंड ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम स्टार्ट बटन को मल्टीपल टाइम्स दबा के उसको टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया है स्टार्ट और स्टॉप बटन, जो कि सबसे ईजी वे है। अब देखिए हम दूसरा तरीका देखते हैं इसको ऑपरेट करने का। जब हम इसको स्टार्ट बटन से दबाते हैं तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चलता है। सपोज़ कीजिए कि हम फुल कैपेसिटी पे नहीं चलाना चाह रहे हैं, जैसे कि जो हमारी गैस होती है, हम क्या उसको हमेशा फुल पे चलाते हैं? नहीं, कभी कभी हम सिम करके भी चलाते हैं। तो अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका दिखाता हूँ। आपने अंदर आइटम रख दिया है, अब देखिए यहाँ पर ये पावर लिखा हुआ है, ठीक है, पावर बटन। पावर बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो आगे 700, क्योंकि ये 700 वाट है तो फुल कैपेसिटी। एक बार और प्रेस कर दिया तो ये आ गया 560, एक बार और प्रेस कर दिया 420, 280, 140 और ये वापस घूम के 700। तो 700 है फुल कैपेसिटी, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा हाफ मतलब 420 पे इसको चला लेते हैं, ठीक है। तो 420 वाट करने के बाद में हम इसमें स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करने के लिए भी अब हमें यहाँ पे टाइम चुनना होगा, जैसे 10 सेकंड, 1 मिनट या 10 मिनट्स। तो सिंपली आपने ये करना है कि 420 वाट पे जो 1 मिनट वाला है साइन, उसको कर देना है। तो अब हमने वाट कितनी चुन ली है, 420, टाइम कितना चुन लिया, 1 मिनट, और अब हमने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं करना है तो मैंने स्टॉप कर दिया। दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूँ, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम इसको फुल कैपेसिटी पर ना चला के अपने हिसाब से लो, मीडियम या सिम चला सकते हैं। तो तरीका क्या है, फिर से देख लीजिए। आपने सिंपली इसके जो पावर बटन है उसको प्रेस करना है, 700 सेकंड दबाएंगे तो 560, फिर 420। मैं अधिकांश आपको रिकमेंड करूँगा कि 420 या फिर 280 पर चलाएं, ठीक है। तो लगभग 420 पर हम चलाते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, 1 मिनट टाइम चुनना। अगर आप 2 मिनट करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट को ही दोबारा दबा देंगे। अगर आप 2 मिनट में 10 सेकंड ऐड करना चाह रहे हैं तो सेकंड वाले को दबा देंगे, और अगर आप 2 मिनट में 10 मिनट ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली 10 वाले को दबा देंगे। तो अब जैसे ये 12 मिनट 10 सेकंड हो गया, अब यहाँ पे हमने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है वो तरीका कि जिसमें हम इसकी पावर को भी डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमने सीख लिया दूसरा तरीका। अब भाई देखो, यहाँ पे सवाल आता है कि ये इंडियन रसोई, यूटिलिटी कॉर्नर और हेल्थ प्लस क्या है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ये लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन रसोई। तो इंडियन रसोई में IC1 के आगे लिखा हुआ है इडली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडियन रसोई को दबाएंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा IC1। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी इंटरनल सेटिंग है वो किसके लिए सेट हो गई है, इडली के लिए, ठीक है। अब हमने सेकंड पे दबाना है, इसमें माइनस है और प्लस है, इसे करके हमें उसमें कैपेसिटी करनी है। जैसे इडली की 4 पीस या 8 पीस, आप मान लीजिए कि आप इडली बना रहे हैं और 8 पीस है, तो IC1 और 8 पीस करके इसको बंद कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए टाइम हमने नहीं भरा है, क्योंकि टाइम ये ऑटोमेटिकली इसमें फीड है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। तो यहाँ से क्या है कि हम डिश बना सकते हैं। अब ये देखिए और देखते हैं, सपोज कीजिए कि देखिए IC1 हो गया, IC2 हो गया आलू सब्जी, IC3 हो गया वेज बिरयानी, IC4 हो गया, ऐसे हम स्वीट कॉर्नर में जाते हैं। तो ये देखिए, अगर आप पढ़ सकें तो इंस्टेंट ब्राउनी, SC2 पर हो गया खीर, और SC3 पर हो गया सूजी हलवा। मान लीजिए कि हमें सूजी का हलवा बनाना है,
तो हमने अपने जो भी इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करके अंदर रख दिया, और इसका नंबर क्या है, SC3। ठीक है, हम इन्हें इसको रखने के बाद बंद कर देंगे और यहाँ से इंडियन रसोई में जाएंगे। और इसमें हम क्या चूज करेंगे, ये देखिए IC1, IC2, IC3, IC4 और IC5, IC6, SC1, SC2 और SC3। तो SC3 क्या है, आपका हार्डवेयर के लिए है। उसके बाद हमें इसमें जो डालना है वो वेट है, कितने ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, फोर नहीं, इसमें हम मैक्सिमम कैपेसिटी 300 सेट कर सकते हैं। टाइम अगर आपकी ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप उसको डबल वार कर लीजिएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो 300 ग्राम करके हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए जो 21 मिनट है ये इसमें इंटरनली सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझ गए हैं कि ये जो इसमें अंदर लिखे हुए हैं यहाँ से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आगे देखते हैं, ट्वेंटी फोर आवर्स, तो 24 आवर्स में BF1, BF2, BF3 ऐसे ही, SN1 पे है पकौड़ा सलाद, और SN2 पर है ढोकला, SN3 पर है मुरमुरा। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ चाहे, जैसे BF2 पे है पोहा, हमें आप सपोज करिए पोहा बनाना है, और वो किस में है आपका 24 आवर्स में, तो हम इसमें आएंगे, पोहा की मात्रा हमने रख दी अंदर, 24 आवर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो BF2 था उसका नंबर, द्वारा फिर हम इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम और इसको स्टार्ट दबा देंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट दबाते देखिए चल पड़ा। तो सिंपल है, जो इसका थर्ड तरीका है उसमें यह है कि जो डिशेज हैं उनके लिए इसमें सेटिंग की हुई है इंटरनली। एक थर्ड और ऑप्शन आता है, वो है यूटिलिटी कॉर्नर। जैसे UC1 का मतलब है की बार, आप खाने को कुछ लंबे समय तक गर्म रखना चाहें। UC2 है स्टीम क्लीन, डी फ्रोस्ट वेज, डी फ्रोस्ट नॉन वेज। ठीक है, आप मान लीजिए खाने को कुछ समय तक हल्की आंच पे गर्म रखना है, तो उसका है UC1। आपने इसमें अपना सामान रख दिया है, इसको बंद कर देंगे और यूटिलिटी कॉर्नर वाले बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए UC1, अब इसमें जो मात्रा है देखते हैं, इस बटन को दबाने से कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें आपने जो क्वांटिटी है उसे सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट दबा देना है। तो 45 मिनट इसमें डिफ़ॉल्ट है, उतने देर तक ये हल्की हल्की आंच पे, इसको हल्की हल्की हीट पर की वार्म, उसको गर्म रखेगा। मुझे नहीं करना है तो मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए आपने इसको LG के माइक्रोवेव ओवन को चलाने के 3 तरीके देखे हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला तरीका सिंपल ये है कि आपने इसमें सामान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल स्टार्ट और स्टॉप का यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसको फुल कैपेसिटी पे ना ऑपरेट करना चाहें तो हमने क्या करना है, ये जो ये देख लीजिए, जो पावर का बटन है, पावर के बटन को यूज़ करना है, पावर सेट करनी है और यहाँ से टाइम सेट करना है, और थर्ड में इंडियन रसोई 24 आवर्स और यूटिलिटी कॉर्नर। थैंक यू दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। बाय बाय।